नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बात करूंगी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन पद्धति का केंद्र एवं गौरव है, जो राष्ट्रीय नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है, और यह कहा जाता है कि जब तक प्रधानमंत्री है तब तक मंत्रिमंडल है। इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि जब तक प्रधानमंत्री जीवित है तब तक मंत्रिमंडल जीवित है, और जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिमंडल भी मर जाता है या उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री के रहने तक मंत्रिमंडल अपने पद पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये उसी समय तक अपने पद पर बने रहते हैं जिस समय तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त होता है, यानी कॉमन सभा का विश्वास प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल के संबंध में चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रिटेन के इतिहास का अवलोकन करना चाहिए, और इसके लिए हमें उस संस्था के बारे में चर्चा करनी चाहिए जिसने मंत्रिमंडल को जन्म दिया, और वो संस्था है प्रिवी परिषद या प्रिवी काउंसिल। मंत्रिपरिषद इसी प्राचीन संस्था से उत्पन्न हुई है। प्रारंभ में यह एक विचार विमर्शात्मक संस्था थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल में हस्तांतरित हो गई। तो प्रिवी परिषद का उदय कैसे हुआ, प्रिवी परिषद क्या है और इसका कैसे उदय हुआ, और प्रिवी परिषद के माध्यम से मंत्रिमंडल किस तरह से अस्तित्व में आया, हमें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए। शासन संबंधी कार्यों में परामर्श देने के लिए सम्राट ने एक संस्था बनाई, और उस संस्था का नाम था क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस नामक संस्था इसलिए बनाई गई थी कि वो सम्राट को शासन संबंधी कार्यों पर परामर्श देगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। जब क्यूरिया रेजिस के कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे जैसे लोक कल्याणकारी स्वरूप शासन व्यवस्थाओं ने ग्रहण किया, वैसे वैसे कार्यों की अधिकता भी हो गई। तो उसी आधार पर जब क्यूरिया रेजिस के भी कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इसकी दो शाखाएँ बन गई, इसके दो भाग हो गए, और प्रशासकीय कार्य करने वाली शाखा प्रिवी परिषद कहलाई। तो ये कहा जाता है कि प्रिवी परिषद उस क्यूरिया रेजिस में से अस्तित्व में आई। परिषद प्रिवी परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, बदलती रहती है, तथा इसके सदस्य भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियों से आते हैं, और इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कला साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य किया होता है जिन लोगों ने, उन्हें प्रिवी परिषद का सदस्य बना दिया जाता है। इसमें हम जैसे कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, चाहे वो भूतपूर्व मंत्रिपरिषद हो या वो वर्तमान मंत्रिपरिषद हो, उसके सदस्यों को इसका सदस्य नियुक्त किया जाता है। इसी तरह से जो चर्च के पदाधिकारी हैं उन्हें इसका सदस्य बनाया जाता है। प्रसिद्ध पीयर यानी लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें भी इसका सदस्य बनाया जाता है। कॉमन सभा का अध्यक्ष है। उपनिवेशों के कुछ विख्यात राजनीतिज्ञ, कुछ राजदूत, विदेशों के राजदूत या उपनिवेशों के प्रधानमंत्री, इन सभी को प्रिवी परिषद का सदस्य बनाया जाता है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोई ख्याति प्राप्त की हो, प्रसिद्धि प्राप्त की हो, ऐसे व्यक्तियों को प्रिवी काउंसिल का सदस्य बनाया जाता है। और प्रिवी काउंसिल की जो बैठकें होती हैं या अधिवेशन होता है वो नियमित नहीं होता, बल्कि विशेष अवसरों पर ही होता है। और विशेष अवसर होते हैं जैसे नए सम्राट के राज्याभिषेक का अवसर हो, या किसी कोई विवाह समारोह हो, इससे सम्राट से संबंधित या शाही परिवार से संबंधित कोई विवाह समारोह हो, तो ऐसे अवसरों पर प्रिवी काउंसिल की बैठकें बुलाई जाती हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि प्रिवी परिषद के सभी सदस्य उसका हिस्सा बनते हैं या बैठकों में भाग लेते हैं या उपस्थित होते हैं, बल्कि केवल 3 सदस्यों के माध्यम से ही इसकी गणपूर्ति पूर्ण मान ली जाती है। यानी 3 सदस्यों की उपस्थिति होने से ही इसका पूर्ण इसे मान लिया जाता है। प्रिवी परिषद की जो बैठकें हैं वो राजमहल में ही होती हैं। हालांकि राजा की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, पहले होती थी, लेकिन अब इसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार से इन सदस्यों के इस प्रक्रिया के आधार पर प्रिवी परिषद अपना कार्य करती थी या आज भी करती है। वर्तमान में मंत्री परिषद के सदस्य ही प्रिवी परिषद की हैसियत से कार्य करते हैं, अर्थात मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय प्रिवी परिषद के नाम से जारी किए जाते हैं। स्पष्ट है कि प्रिवी परिषद की शक्तियां मंत्री परिषद को हस्तांतरित हो गई हैं या मंत्री परिषद में चली गई हैं। तो इस तरह से ये स्थिति है प्रिवी परिषद की। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की, कि मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ या ब्रिटेन में मंत्रिमंडल कैसे अस्तित्व में आया। तो हम ये जानते हैं कि ब्रिटेन में जो संपूर्ण व्यवस्था है वो अभिसमयों और परंपराओं पर आधारित है। कुछ चीज़ें संयोगवश ब्रिटेन के संविधान में आई हैं, कुछ चीज़ें क्रमिक विकास का परिणाम है। तो ये कहा जाता है कि संयोगवश हों या क्रमिक तरीके से हुई हों, लेकिन अभिसमयों और परंपराओं के आधार पर वो सारी व्यवस्थाएं ब्रिटेन के संविधान में जुड़ी हैं। उस दृष्टि से मंत्रिमंडल भी इससे अछूता नहीं है, यानी मंत्रिमंडल का विकास भी अभिसमयों और परंपराओं के आधार पर हुआ है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जब प्रिवी परिषद का आकार बहुत बड़ा हो गया तो सम्राट ने कुछ प्रमुख तथा जो उनके विश्वास पात्र काउंसलर थे उनको लेकर अपने महल के किसी एक कमरे में विचार विमर्श शुरू किया, और उन्हीं सीमित काउंसलरों को कुछ समय बाद कैबिनेट कहा जाने लगा। और इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि यह कार्य चार्ल्स द्वितीय ने किया। चार्ल्स द्वितीय ने इस प्रकार से किया कि उन्होंने प्रिवी काउंसिल से परामर्श लेना बंद कर दिया और अपने कुछ विश्वसनीय सदस्यों से वो परामर्श करने लगे। ये 5 सदस्य थे। इनके नामों के प्रथम अक्षर से कबाल नामक संस्था का उदय हुआ। कबाल एक अनौपचारिक समिति थी और कबाल में से ही मंत्रिमंडलात्मक पद्धति अस्तित्व में आई है, या कबाल में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का मूल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल से मंत्रिमंडलात्मक पद्धति अस्तित्व में आई है। अब जहां पर जब हम मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं,
और उनमें से जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें हम दो चीज़ों को लेते हैं कि एक तो मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दूसरा प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो इन दोनों चीज़ों को भी हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि संसद के प्रति मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये भी संयोग का ही परिणाम है या परंपरा का परिणाम है। जैसे हम संसद के प्रति उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो इसमें हम ये पाते हैं कि चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में एक मंत्री थे जिन्होंने सम्राट को गलत परामर्श दे दिया और उस आधार पर उस मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही हुई। इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय ये हुआ चार्ल्स प्रथम के समय में। इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय के समय में भी ऐसी ही एक घटना हुई कि एक मंत्री के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया। तो इन दोनों ही घटनाओं से मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने का सिद्धांत बना, यानी इस सिद्धांत की स्थापना कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा वो इन दोनों घटनाओं से लागू हुआ या उसकी स्थापना हुई। दूसरी बात हम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व की। पिछली कई वर्चुअल क्लासेस में यह बात आई है जिसको मैंने कई बार इस बात को कहा भी है, स्पष्ट भी किया है कि जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते थे, उन्होंने भाग लेना बंद कर दिया। तो मंत्रिमंडल ने अपनी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए किसी एक सदस्य को चुन लिया और प्रारंभिक जो स्थिति हम देखते हैं उसमें हम नाम लेते हैं वालपोल नाम के मंत्री का, कि वालपोल एक मंत्री थे जिनको मंत्रिमंडल ने अपनी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए चुन लिया। वालपोल बार बार कहा करते थे कि मैं अन्य मंत्रियों से श्रेष्ठ नहीं हूँ बल्कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, तो भी उन्हें ही इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री मान लिया गया और वालपोल ने ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय बना लिया और वालपोल पर सम्राट का भी पूरा विश्वास था। परंतु कुछ समय बाद वालपोल के प्रति संसद का विश्वास समाप्त हो गया, परिणाम स्वरूप उन्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो उस समय से यह सिद्धांत प्रचलन में आया, इस सिद्धांत की नींव पड़ी कि यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, अर्थात मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। तो इस प्रकार से उस समय से यह सिद्धांत बना कि मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री यदि अपना विश्वास खो देते हैं संसद के प्रति तो उन्हें मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया और आज हम ये जानते हैं कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल ही है। सम्राट या राजमुकुट को जो शक्तियां मिली हुई हैं उनका प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल ही करता है। सैद्धांतिक रूप से तो उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट करता है या राजमुकुट करता है, लेकिन व्यावहारिक जो स्थिति है वो ये है कि उन समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। एक प्रश्न और उठता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद क्या ये दोनों एक हैं या इनमें कोई अंतर है? तो निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक नहीं है बल्कि इनमें अंतर है। और अंतर हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक बहुत छोटा भाग है। मंत्रिपरिषद एक बृहद संस्था है, एक बड़ी संस्था है, और मंत्रिमंडल उसका एक छोटा सा पार्ट है। आकार के आधार पर हम इनमें अंतर करते हैं। मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव, इन सभी को हम शामिल करते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक बहुत छोटी संस्था है जिसमें कुछ विशिष्ट स्तर के ही
मंत्री शामिल होते हैं। इसी तरह से हम एक अंतर करते हैं इनकी स्थिति में कि मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण संस्था है, शासन की नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है और आए दिन इसकी बैठकें भी होती रहती हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकें बहुत कम होती हैं और इसका कार्य केवल हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक है। इसी प्रकार से एक अंतर किया जाता है कार्य के रूप में कि मंत्रिमंडल के समस्त जो विभाग होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य उन विभागों के अध्यक्ष होते हैं, उनके वो विभाग उनके नाम से होता है और मंत्रिपरिषद के सदस्य उनके अधीनस्थ रह करके कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ये दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा भाग है जो वास्तव में संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन करता है। अब मैं मेरी अगली वर्चुअल क्लास में मैं बात करूंगी कि मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल को क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं। धन्यवाद।